इंदौर से बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक 53 वर्षीय व्यक्ति अपनी लिव इन साथी की लाश के साथ तकरीबन 3 दिनों तक रहा। और साथ ही चौंकाने वाली बात है कि इस व्यक्ति ने इस लाश को एक बोरे में बांधकर सड़क के किनारे लावारिस छोड़ दिया। और इस तरह लाश को लावारिस छोड़ने की वजह जानकर आप दंग रह जाएंगे। चलिए विस्तार में जानते हैं इस सनसनीखेज मामले को। दरअसल यह मामला बीते रविवार इंदौर के अहमदनगर का है, जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति किराए के कमरे में रहते थे। वहीं इस बुजुर्ग व्यक्ति की पत्नी बड़े लंबे समय से बीमार चल रही थी। वहीं वृद्ध पति का कहना है कि उनके पास अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। वहीं इसकी पत्नी ने बीमारी और इस भीषण गर्मी के चलते बीते गुरुवार को दम तोड़ दिया। आस पड़ोस के लोगों को यह बात बताने में शर्म महसूस होने लगी। इसी कारण उसने अपने छोटे कमरे में अपने पास ही पत्नी की लाश को 3 दिनों तक रखा। वहीं इस भीषण गर्मी के चलते लाश से काफी बदबू आने लगी, तो इसी बात पर आस पड़ोस में चर्चा होने लगी। तो इसी बीच इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की लाश को एक साड़ी में लपेटकर और साथ ही एक बोरे में बांधकर घर से 200 मीटर की दूरी पर ही सड़क के किनारे छोड़ दिया। वहीं इस लाश की खबर जैसे ही पूरे क्षेत्र में फैल गई तो लोगों ने इस पूरे मामले की जानकारी नगर निगम को पहुंचा दी। और जैसे ही नगर निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचते हैं तो उन्होंने बोरे को खोलकर देखा तो वह सन रह गए, क्योंकि बोरे में महिला की लाश थी। इस लाश से भयानक बदबू आने के साथ ही इस लाश को आवारा कुत्तों ने नोचकर भी खाया हुआ था। तो इस पूरे मामले की जानकारी पास के चंदन नगर पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस लाश को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं पहले तो पुलिस इस पूरे मामले को हत्या के एंगल से देख रही थी, लेकिन बाद में पुलिस को पता चला कि यह मामला कुछ और ही है। फिर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। वहीं इस मृत लाश को कुत्तों ने काफी नोचकर खाया था, तो लाश को पहचानना मुश्किल था। इसलिए पुलिस ने क्षेत्र के लोगों से इस मामले को लेकर पूछताछ की, तब जाकर इस महिला की पहचान हुई। वहीं पता चला है कि इस मृत महिला का पति मदन नरगावे है, जो पास ही के किराए के कमरे में अपनी पत्नी के साथ रहता था। वहीं पुलिस ने मदन नरगावे की तलाश शुरू कर दी, तब जाकर पूरा मामला खुलकर सामने आया। वहीं पुलिस का कहना है कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है और साथ ही पैसे की तंगी के चलते अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया, और मोहल्ले वालों की शिकायत और डर के मारे उसने लाश को पास ही एक बोरे में बांध कर फेंक दिया। थाना चंदन नगर में एक जो कल अहमदनगर में एक बॉडी मिली थी चंदन नगर थाने के अंतर्गत, वहां पर जो एक बॉडी जिसका जो अपर साइड जो पोर्शन था वो बोरे से कवर था और पीछे साड़ी से बंधी हुई थी, साड़ी लपेटी हुई थी। इस पर से थाना चंदनगर में संपर्क कायम किया गया था और व्यक्ति अज्ञात लाश थी, तो इसके लिए लगातार कोशिश की गई इसको आइडेंटिफाइड करने की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी कोशिश की गई और उसके बाद फिर आसपास पूछताछ भी की गई, तो उसमें ये पता चला कि एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें कई किराएदार रहते हैं, वहाँ बहुत पहले कुछ बदबू आ रही थी। तो इस बात की पता चला तो जब उनसे पूछताछ की गई तो वो किराएदार आपस में बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई चूहा मर गया या कुछ गंध किस प्रकार की आ रही है। तो फिर वह सभी किराएदारों को चेक किया गया तो एक जो पोर्शन था उसमें पता चला एक पुरुष और स्त्री रहते हैं, वृद्ध हैं 55-60 वर्ष के वो रहते हैं। जब पता वहाँ चेक किया गया तो पुरुष था वह, स्त्री नहीं थी। तब उससे पूछा गया कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तो उसके द्वारा बताया गया मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। उसने मेरी पत्नी बीमार रहती थी और बीमार रहने के जब एक्सपायर हो गई तो तीन दिन तक उस डेड बॉडी को अपने घर में ही रखा। जब गंध ज़्यादा आने लगी तो इसको फेंकने के लिए वो बाहर आया और लगभग 200 मीटर दूर तक उसको ले गया, लेकिन जब गंध बहुत ज़्यादा हो गई, उसकी सांस उकड़ने लगी, तब फिर उसने वहीं पर छोड़ के उसको भाग गया। जब उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि बीमारी की वजह से मरी है, क्योंकि उसके पास कफन दफन का पैसा नहीं है, इस वजह से उसने ऐसा किया। और भी कई तरह की बातें अभी स्पष्ट नहीं हुई है कि उसका कारण क्या है, तो अभी फिलहाल डॉक्टर से बात की, डॉक्टर के द्वारा बताया गया है जो इस पर बॉडी पर किसी प्रकार के कहीं कोई चोट के निशान नहीं है, संभवतः बीमारी से ही इसकी मृत्यु हुई है। फिलहाल मर्ग में जांच की जा रही है, जांच में आई तथ्यों के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मृतिका का नाम आशा है, लगभग 55 वर्ष की है। यह मामला न केवल हृदय विदारक है बल्कि समाज में जागरूकता की भी आवश्यकता को दर्शाता है। मदन नरगावे ने आर्थिक तंगी और सामाजिक शर्म के कारण अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए उचित व्यवस्था नहीं कर पाया। पुलिस और नगर निगम की त्वरित कार्रवाई से इस घटना का खुलासा हुआ, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह एक हत्या का मामला नहीं है बल्कि गरीबी और सामाजिक दबाव का परिणाम है।
इस घटना ने एक बार फिर इस बात पर ध्यान आकर्षित किया है कि समाज में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा और सहायता तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसी दुखद घटनाएं भविष्य में ना हो। और साथ ही इस घटना ने समाज में संवेदनशीलता और सहानुभूति की ज़रूरत को भी उजागर किया है।